फ्रेंड्स, किसी भी आयरन पाइप को कॉपर पाइप से जोड़ने के लिए जिस मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं, आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये एक डिब्बी है जो आपको मार्केट में मिल जाएगी, जहाँ पे रेफ्रिजरेटर वगैरह का सामान मिलता है। इसको फ्लक्स बोलते हैं और ये आपको 5 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा और जॉइंट आप इससे कर सकते हैं। बहुत मज़बूत जॉइंट होता है। कोई भी अगर आयरन का पाइप है उसको कॉपर पाइप से आप जोड़ना चाहते हैं तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे। पहले पूरे पाइप को हीट कर लेंगे पूरी तरह से। जब वो लाल दिखने लगेगा तब आप थोड़ा सा तीली में जो आपका ब्रेजिंग रॉड है उसमें हल्का सा फ्लक्स लेके और इसके यहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे आप जॉइंट पे चारों तरफ लगा देंगे। इससे बहुत मज़बूत जॉइंट आपका होगा और अच्छे से जुड़ जाएगा, कोई भी लीकेज नहीं रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो फ्लक्स है वो चारों तरफ फैलना चाहिए और ताकि अच्छे से वो पकड़ बना ले और आप आराम से फ्लक्स लगा के इसको जॉइंट कर सकते हैं कोई भी आयरन पाइप को कॉपर पाइप से। बहुत आसान है, जुड़ जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि अगर आप किसी भी आयरन पाइप को कॉपर पाइप से जॉइंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्लक्स का इस्तेमाल करना है, आप आराम से जॉइंट कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। मैंने सोचा कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर किसी भी कॉपर पाइप को आयरन पाइप से जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, इस वीडियो में मैंने आपको बताया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो, इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।